हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। पंजाब वैदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल उत्ते सारे का स्वागत है जी। इस बुलेटिन दे विच आपां गल करन जा रहे हैं 2 जुलाई दीआं ताज़ा तरीन ते वड्डीआं खबरां बारे। उस तो पहला सारे वीरां भैणां नूं बेनती है, जिन्हां वीरां भैणां ने हले तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता जी, चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो ते नाल लगे घंटी दे बटन नूं भी प्रेस कर लो, तां कि खबर का हर नोटिफिकेशन तुहानूं टाइम ते मिलदा रहे। सो दोस्तों, गल करदे सब तो पहली वड्डी खबर दी। करोना नाल पंजाब च 5 होर मौतां, 101 नवे मरीज आए सामने। बुधवार को पंजाब 101 नवे मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिस नाल हुण तक करोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों की कुल गिणती 5668 हो गई है। 5 होर मौतां हो जाण नाल करोना नाल मरन वालों की कुल गिणती 149 हो गई है। सरकारी तौर पर प्राप्त अंकड़ों मुताबक आए सब तो वध मामलों में लुधियाना जिले में 41, अमृतसर साहब जिले में 17, जलंधर जिले में 9 नवे केस आए हैं। इस तरह ही SAS नगर मोहाली, मोगा और हुशियारपुर जिले में 5-5, फाजिलका जिले में 4, फरीदकोट, गुरदासपुर और पटियाला जिले में 3-3, संगरूर और पठानकोट जिले में 2-2, तरन तारण साहब और बठिंडा जिले में 1-1 नवे मरीज की रिपोर्ट करोना पॉजिटिव आई है। उस तो अगली खबर की गल करन तो पहला सारे वीरां भैणां नूं बेनती है, जिन्हां वीरां भैणां ने हले तक वीडियो नूं लाइक नहीं किया जी, वीडियो नूं लाइक जरूर कर दो, क्योंकि तुहाडा एक लाइक साडे लई मोटीवेशन का काम करता है जी। तो अपने जिले की हर ताज़ा तरीन खबर पाने लई कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखो जी। सो दोस्तों, गल करते हैं अगली खबर की। पंजाब सरकार स्कूल फीसा बारे हाई कोर्ट के फैसले विरुद्ध डबल बेंच को अपील करेगी सिंगला। पंजाब के सिक्ख्या मंत्री श्री विजेंद्र सिंगला ने कहा कि पंजाब सरकार माणयोग पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट वालों करफ्यू दौरान प्राइवेट स्कूलों वालों फीसा उगराहण संबंधी सुनाए फैसले डबल बेंच को अपील करेगी। इत्थे सिविल सकत्तरेत विखे अपने दफ्तर में सदी प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान श्री सिंगला ने कहा कि पंजाब सरकार हाई कोर्ट के फैसले का सत्कार करती है, पर लॉकडाउन दौरान लोगों के कामकारों उत्ते पए माड़े असर और आर्थिक मंदहाली के सन्मुख इस फैसले उत्ते मुड़ नज़रसानी लई हाई कोर्ट के डबल बेंच को अपील दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पंजाब सरकार दीआं 5 दलीलों नूं मन्निया है, जिन्हां दलीलों नूं नहीं मन्निया गया उन्हां उत्ते मुड़ नज़रसानी लई हाई कोर्ट के डबल बेंच को अपील की जाएगी। उस तो अगली खबर दोस्तों आ रही है अमृतसर तो। अमृतसर च लॉकडाउन च पुलिस ने चलान कट के वसूले 17.66 लाख। करोना काल में लगे लॉकडाउन में अमृतसर देहाती पुलिस ने सरकारी गाइडलाइन ना पालना करन वाले लोगों तो 17.66 लाख रुपए वसूल किए हैं। अनुशासन का पाठ पढ़ाने लई पुलिस ने यह शिकंजा 5603 लोगों ते कसना पिया। इस दे बावजूद पुलिस ने कई थावां ते जाके लोगों नूं जागरूक किया। पेंडू खेतरां दे मंदर दे गुरद्वारां दे लाउड स्पीकरां दे राहीं लोगों नूं करोना वायरस तो पैण वाले प्रभावां दे बारे जानकारी दित्ती गई। मिशन फतेह तहत पुलिस घर घर जाके लोगों नूं करोना वायरस बारे जागरूक कर रही है। उस तो अगली खबर दोस्तों, भारत सरकार वालों गुरपतवंत पन्नू सने 9 खालिस्तानी पक्षी अतवादी ऐलाने। सिक्स फॉर जस्टिस के कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नू सने 9 खालिस्तानी पक्षी व्यक्तियों भारत सरकार वालों अतवादी ऐलान दिता गया है। यह कार्रवाई खालिस्तान पक्षी मुहिम चलाए जाण कारण की गई है। अतवादी ऐलाने गए लोगों कई खाड़कू जथेबंदियों के मुखी अहम कारकुन शामिल हैं। इस संबंधी गृह मंत्रालय वालों 9 व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। इस दे नाल ही भारत वालों हुण तक ऐलाने गए अतवादियों की गिणती वध के 31 हो गई है। गृह मंत्रालय वालों जिहड़े व्यक्तियों नूं अतवादी ऐलाना गया है उन्हां चों लगभग सारे ही विदेशों च रह रहे हन अते पन्नू भी अमरीका च वसिया होया है। पाकिस्तान च रह रहे बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मुखी वधावा सिंह बब्बर, इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन का मुखी लखबीर सिंह, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का मुखी रणजीत सिंह नीटा ते खालिस्तान कमांडो फोर्स का मुखी परमजीत सिंह शामिल हैं। ये चारे व्यक्ति पाकिस्तान च रह रहे हैं। इन्हों तो इलावा जर्मनी च रह रहा खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का मैंबर भुपिंदर सिंह भिंदा, गुरमीत सिंह बग्गा ते कनेडा च रह रहा खालिस्तान टाइगर फोर्स का हरदीप सिंह निज्जर, इंग्लैंड च रह रहा बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मुखी परमजीत सिंह शामिल हैं। उस तो अगली महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की 6 महीने फीस कांग्रेस भरे मजीठिया।
श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब सरकार नूं कहा कि करोना कारण वित्तीय तौर ते बुरी तरह प्रभावित होए सारे मापियां दे बच्चियां दी इस साल अप्रैल तो सितंबर तक दी प्राइवेट स्कूलां दी ट्यूशन ते दाखला फीस आप अदा करे। गल्लबात दौरान साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने यह बहुत ही निंदनयोग गल है कि कांग्रेस सरकार ते सिक्ख्या मंत्री विजेंद्र सिंगला ने प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट अगे आत्म समर्पण कर दिता ते पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट च यह भी मान लिया कि प्राइवेट स्कूलों नू फीस निर्धारित करन दा हक है। उन्हां दोष लाया कि हाई कोर्ट च सूबे दे केस हारन दा कारण प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट नाल सरकार दी गंढ तुप है। उन्हां कहा कि सूबे ने केस सही ढंग नाल नहीं लड़िया ते सरकार अदालत नूं इह दसण विच वी नाकाम रही है कि स्कूल मैनेजमेंटां लए करजियां दीआं किश्तां तारन ते रोक लवा सकदी है ते इस वास्ते उन्हां नूं मापिआं नूं शिकार बनाउण दी जरूरत नहीं है। अगली खबर, तालाबंदी खोलण संबंधी निर्देशां दी पालना करन लोक जिला मैजिस्ट्रेट। पंजाब सरकार वल्लों 30 जुलाई 2020 तक आनलॉक 2 नूं खोलण संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हन अते कंटेनमेंट जोनां तों बाहरले इलाकियां विच सुचज्जे तरीके नाल होर गतिविधियां मुड़ खोलण दा फैसला किया है। इन्हां हुकमां नूं जिला लुधियाणा विच वी इन बिन लागू किया गया है अते जिला वासियां नूं चाहीदा है कि उह इन्हां दिशा निर्देशां दी पालना यकीनी बनाउण। इस संबंधी वेरवे नाल जानकारी दिंदिया डिप्टी कमिश्नर वरिंदर शर्मा ने दस्या कि इन्हां विस्थारित दिशा निर्देशों तहत राज सरकार ने जिला अधिकारियों नूं लोड़ पैण ते कंटेनमेंट जोन तो बाहरले खेतरां विच अजिहियां पाबंदियां लगाउण दी आग्या दित्ती है। हालांकि गुआंढी देशां नाल संधियां दे तहत सरहदी व्यापार च शामिल व्यक्तियों ते चीज़ां दी अंतर राज अते सूबे अंदरली आवाजाई उत्ते कोई पाबंदी नहीं होवेगी। उन्हां कहा कि अजिहियां गतिविधियां लई किसी वक्री आग्या परवानगी ई परमिट की लोड़ नहीं पवेगी। उस तो अगली खबर, मुक्तसर च 2 नौजवानों ने जहर खा के की खुदकुशी। मुक्तसर के हलका मलोट विखे वख वख थावां ते 2 नौजवानों वालों खुदकुशी कर ली गई है। पुलिस ने लाशां कब्जे विच लै के दोवां मामलों की जाँच शुरू कर दिती है। मिली जानकारी के अनुसार कृष्णा नगर का रहने वाला तुषार बठला नूं फाइनैंस के करिंदियां वालों तंग परेशान किया जाता सी। इसे परेशानी के चलते उसने घर विच ही जहर खा लिया, जिसनों इलाज लई परिवार वालियां ने पहला मलोट फिर बठिंडा हस्पताल दाखिल करवाया। हालत गंभीर होने मगरों उसनों लुधियाणा के DMC हस्पताल रैफर कर दिता गया, जिथे उसने दम तोड़ दिता। इस दे अलावा मलोट की वार्ड नंबर 7 के रहने वाले एडवोकेट रोमी सचदेवा ने मानसिक तौर पर परेशानी के चलते घर विच ही जहर खा लिया, जिसनों इलाज लई हस्पताल भर्ती करवाया गया, जिथे उसने दम तोड़ दिता। मामले की जांच कर रहे ASI सुखपाल सिंह ने दस्या कि मृतक के परिवारक मैंबरां दे बयान दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दिती है। उस तो अगली खबर, मुख्यमंत्री वालों किसानी नूं तबाह करन वाले केंद्र दे मनसूबियां विरुद्ध सख्त सुनेहा देण लई सियासत तो उपर उठण दा सद्दा। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज वख-वख किसान जथेबंदियां नूं अज किसान अते संघी ढांचे दे विरोधी ऑर्डीनेंसां अते बिजली सोध एक्ट विच प्रस्तावित सोधां खिलाफ केंद्र सरकार प्रति रोस दा सख्त संदेश देण दा सद्दा दित्ता है। मुख्यमंत्री दे इस सद्दे ते किसान जथेबंदियां दे वड्डे आगूआं ने सर्वसम्मति नाल मता पास करके भारत सरकार नूं मुड़ गौर करके इन्हां नूं आप लैण दी अपील कीती है। मुख्यमंत्री वल्लों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं सद्दी मीटिंग विच हिस्सा लैंदिआं यूनियन आगूआं ने कहा कि हाल ही विच जारी किए ऑर्डीनेंस अते बिजली एक्ट 2003 विच प्रस्तावित सोधां पूरी तरह किसान विरोधी प्रतीत हुंदियां हन। मीटिंग दे अंत विच सर्वसम्मति नाल पास कीते मते विच किसान आगूआं ने कहा यह ऑर्डीनेंस अते तजवीज़त सोधा मुल्क दे संघी ढांचे ते सिद्धा हमला हन, जिस करके इन्हां नूं वापस लिया जाना चाहीदा है। इस तो पहला पंजाब अते किसानी हितों की राखी की लोड़ उत्ते जोर दिंदिया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सानू सारियां नूं अपने सियासी वखरेवियां दे बावजूद एकजुट होना चाहीदा है। उस तो अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी का वड्डा ऐलान, गरीबों नूं नवंबर तक मिलेगा मुफ्त राशन। प्रधानमंत्री ने अज देश दे नां अपने संबोधन दौरान कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्थार हुण दिवाली
छठ पूजा तक भाव नवंबर महीने के आखिरी तक कर दिता जाएगा। गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्थार च 90,000 करोड़ रुपए तो ज़्यादा खर्च होंगे। जे इस विच पिछले 3 महीने का खर्च जोड़ दिता जाए तो यह लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। मोदी ने कहा कि कोरोना नाल लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ तो ज़्यादा लोगों 3 महीने का मुफ्त राशन वंडिया गया है। सो दोस्तों, ये सन हुण तक दीयां ताज़ा तरीन खबरां। हर रोज़ ताज़ा खबरां लई चैनल नूं सबसक्राइब करो ते वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो। धन्नवाद दोस्तों।